हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। बहुत ही उमदा लहजे में आपने हजरत पीलो पैमाना हजरत निजामुद्दीन का, दिल व मस्ताना हजरत निजामुद्दीन का, ताजे शाही उसकी ठोकरों में है जो दीवाना हजरत निजामुद्दीन का। अब आइए बिला ताखीर मैं आपको बताते हुए चलूं कुल हिंद रूहानी तबलीग इज्तिमा का आज का उनवान अजमत व शान सैयद कायनात है। सही बात यह कहने वाले ने कहा, वहमो ख्याल व फिक्र से बाला है फातिमा। कौन फातिमा? बोली ना सुभान अल्लाह। इमाम मालिक से पूछा गया कि मर्दों में कौन अफजल है और औरतों में कौन अफजल है, तो कहा कायनात में सबसे अफजल हजरत फातिमतु जहरा है। वो इसीलिए कि आपके हुजूर ने फरमाया फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। अल्लाह अकबर। वहमो ख्याल व फिक्र से बाला है फातिमा, वहमो ख्याल व फिक्र से बाला है फातिमा, रहती अली के घर में है आला है फातिमा। वहमो ख्याल व फिक्र से बाला है फातिमा, रहती अली के घर में है आला है फातिमा, दुख्तर खुशी के देश में बेटी का एहतराम, तूने ही इस रिवाज को डाला है फातिमा। और खाली है जिसका दिल उल्फते आले रसूल से, खाली है जिसका दिल उल्फते आले रसूल से, मैंने भी उसको दिल से निकाला है फातिमा। और हजरत गरीब नवाज फरमाते हैं, शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन दीन अस्त हुसैन दी पना अस्त हुसैन, इसकी रोशनी में ये मिसले समाप्त करे। मैं पूरी तावानाई के साथ फिर पढ़ रहा हूँ, आप लोग समाप्त करे। वहमो ख्याल फिक्र से बाला है फातिमा, रहती अली के घर में है आला है फातिमा, दुख्तर खुशी के देश में बेटी का एहतराम, तूने ही इस रिवाज को डाला है फातिमा। और दुनिया ने दीन दुनिया ने दीन दुनिया ने दीन मान लिया है हुसैन को, हद है कि तूने दीन को पाला है फातिमा, हद है कि तूने दीन को पाला है फातिमा। आज का उनवान सुखन अजमत शान सैयद कायनात, जिसमें हम और आप हजरत अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहब की जुबानी से भरपूर समाप्त करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم। गौसे आजम बमने बेसरो सामा मददे, इबले दी मददे काबे ईमा मददे, इंतजारे करमे तुस्त मने आईनी रा ए खुदा जुओ खुदा बीनो खुदा दा मददे, बगीरदा बे बला उफ्ताद कश्ती वईफानो शकिस्ता रातो पुश्ती, बहक के खाजे उस्मान हारून मदद कुन या मोइनद्दीन चिश्ती, मदद कुन या मोइनद्दीन चिश्ती, मदद कुन या मोइनद्दीन चिश्ती। मिंबर पर जलवगर लायक सत तकरीम वाजिबुल एहतराम पीर तरीकत हजरत सैयदी सैयद अहमद बुखारी साहिब सज्जादा आस्तान आलिया सुल्तानुल मशायख महबूब इलाही, वो जुमला सादात किराम खुद्दामे बारगाह महबूब इलाही, ज़वील एहतराम ज़वील एहतिशाम बासफ़ा उलमाए किराम हाज़रीन महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। इंतहाई एहतराम व अकीदत के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अकीदत अनी से बेकसां चारा साजे दर्दमंदा, हम गरीबों के गमगुसार हम फकीरों की सरवत, शहर यारे इरम ताजदार हरम नौ बहार शफात, शब असरा के दूल्हा नौशे बज़्म जन्नत, दानाए सुबुल मौलाए कुल खत्म रसुल, खुसरवे खूबा सयाह लामका वजह कुन फका, दुर्रिल्लाहिल मकनून सिर्रिल्लाहिल मखजून, आलिम माकाना वमा यकून,
आबो गिले अम्बिया जानो दिले असफिया, मतले हर सआदत मकते हर सियादत, खुलासे कायनात फख्रे मौजूदात, हुजूर अहमदे मुजतबा मोहम्मद मुस्तफा, अरवाह नाफिदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिही व सहबिही व बारक व सल्लमा की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीके से पढ़ाओ बुलंद आवाज से मेरे साथ मिलकर पढ़ें, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व असहाबिका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व असहाबिका सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। एक मरतबा फिर हुजूर सुल्तानुल मशायख सैयदी महबूब इलाही ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाही ताला अलैह के उर्स सरापा कुद्स की महफिल में हम और आप हाजिर हैं, और मुझसे पेशतर आपने मुझसे बहुत ज़्यादा अहले इल्म और अहले अमल हस्तियों से खिताब समात किया, हज़रत अल्लामा मकबूल मिसबाही साहब से भी, अल्लामा हैदरुल कादरी साहब से भी, और भी बहुत सारे उलमा खुतबा यहाँ पर मौजूद हैं जो बेहतरीन बोलने वाले हैं लेकिन वक्त की किल्लत की वजह से वो खामोश हैं। बिरादर ज़िक्र मेरे बड़े करम फरमा हज़रत अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बरकाती साहब भी मौजूद हैं, और जैसा कि आपने मौलाना जुनैद साहब से ये ऐलान समात किया कि आज की महफिल का उन्वान सैयदए कायनात मखदूमए कायनात मलकए फिरदौस बरी सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा राकिया साजिदा नकिया तकिया ज़किया उम्मे अबीहा सैयदाए कायनात सैयदा फातिमतु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा व रदियल्लाहु ताला अन्हा की ज़ाते बाबरकात पर कुछ बोलने की सआदत हासिल करना है, और उन्वान दिया गया है अज़मतो शाने सैयदाए कायनात सैयदा फातिमतु ज़हरा। आप अंदाज़ा करें कि उस हस्ती के मुतालिक गुफ्तगू होनी है और उस हस्ती के मुतालिक गुफ्तगू करनी है कि जब इनका नाम लिया जाता है तो अहले इरफान अदब के साथ निगाहों को झुका लेते हैं, और क्यों ना निगाहों को झुकाएं, इसलिए कि जिसकी आमद पर क़यामत के दिन बड़े बड़ों की गर्दनें खम होगी वो नाम है सैयदा फातिमतु ज़हरा का, वो ज़ात है सैयदा फातिमतु ज़हरा की। क्या लोगों की निगाहों में वो रिवायत नहीं अल्लाह अकबर कि मेरे आका मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब क़यामत के दिन मेरी बेटी फातिमा पुल सरात से गुजरेगी, अल्लाह अकबर, यहां पर यह बात खास हदीस पाक बयान करने से पहले कि पुल सिरात वो मंजिल है जहां पर गुजरते वक्त लोगों के औसान खता होंगे, इसलिए कि वो बाल से ज्यादा बारीक है तलवार से ज्यादा तेज है, लेकिन जन्नत में जाने का एक ही रास्ता है जिसे पुल सिरात कहते हैं। जिसको जन्नत में जाना है उसको पुल सिरात से गुजरना पड़ेगा। अल्लाह अकबर, लोग कांप रहे होंगे पुल सिरात से गुजरते वक्त, लोग कट कट के गिर रहे होंगे पुल सिरात से गुजरते वक्त, नीचे जहन्नम है और ऊपर पुल सिरात है, उस वक्त घबराहट का दहशत और वहशत का आलम क्या है। जब सब लोग दहशत में मुब्तला होंगे तब भी अज़मत फातिमा के परचम बुलंद होंगे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब मेरी बेटी फातिमा पुल सिरात से गुजरेगी तो अर्श के नीचे से निदा करने वाला निदा करेगा, महशर वालों अपनी निगाहों को झुका लो, मोहम्मद अरबी की बेटी फातिमा पुल सिरात से गुजरने वाली। नारे रिसालत मुकद्दस हज़रत अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहब क़िबला, जिसकी आमद पर महशर वालों की गर्दनें झुक जाएगी उसे सैयदा फातिमतु ज़हरा की ज़ात कहते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अज़मते शान फातिमतु ज़हरा सैयदा फातिमतु ज़हरा की अज़मत शान का बयान, अल्लाह अकबर, हम क्या बयान करें।
जिसके लिए आयो तथहीर नाजिल हो, जिसके लिए नबियों का इमाम ताजीम देने को खड़े हो जाए, जिसकी आमद पर उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा, वो उम्मुल मोमिनीन जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल होता हो, वो फरमाती है कि मैंने बार बार देखा, यानी ये कोई इत्तेफाकी बात नहीं थी बल्कि हुजूर अलैहि सलाम का मामूल था कि जब भी सैयदा कायनात सैयदा फातिमतुज़्ज़हरा हुजूर अलैहि सलाम से मुलाकात के लिए तशरीफ लाती तो उनके लिए हुजूर अलैहि सलाम उठ करके खड़े हो जाते। आप अंदाजा करें कि अगर उलमा किसी साहिब के लिए उठ करके खड़े हो जाएं तो लोग अंदाजा करेंगे यार ये कैसा आदमी है, इसका तारुफ कुछ लोग नहीं जानते, इसके मुतालिक लोग कुछ नहीं जानते, इसके इल्म के मुतालिक नहीं, इसके तकवे के मुतालिक नहीं, इसके नाम के मुतालिक नहीं, इसके नसब के मुतालिक नहीं, कुछ नहीं जानते, लेकिन जिनको जानते हैं देखा कि उठकर इसके लिए खड़े हो गए तो फिर समझते कि यार ये क्या बंदा है जिसके लिए इतने बड़े बड़े खड़े होते हैं। अब सैयदा फातिमतुज़्ज़हरा की शान मुझ जैसा क्या बयान करेगा, इसलिए कि सैयदा आयशा फरमाती है कि जब भी सैयदा फातिमा हुजूर से मिलने के लिए आती नबियों के इमाम सैयदुल अंबिया उठ करके खड़े हो जाते और सिर्फ उठ कर खड़े नहीं होते अपनी जगह देते और फरमाते फातिमा तुझ पर मेरे मां बाप कुर्बान हो जा। नारे रिसालत सारी निजामीन सारी कायनात कहती है, सारी कायनात कहती या रसूल अल्लाह हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाए। सिद्दीक अकबर कहते मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, फारूक आजम कहते मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, उस्मान अली कहते मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, मौला अली कहते मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान और रसूलुल्लाह कहते फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जा। ये सैयदा फातिमतुज़्ज़हरा की शान है, ये कायनात की उस मखदूमा की शान है और अल्लाह अकबर ये सैयदा फातिमतुज़्ज़हरा है जिनकी खसूसियत है कि हुज़ूर ने सिर्फ इन्हीं के लिए फरमाया फातिमत बदअत मिन्नी कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा। सैयदा की अजमत कौन बयान करे, क्या बयान करे, कहां से बयान करें, कहां से शुरू करें, कहां पे खत्म करें। इसलिए कि अहले सुन्नत के मुहद्दिसीन इस बात का जिक्र करते हैं, अहले सुन्नत के मुहद्दिसीन आप देखें बड़े बड़े मुहद्दिसीन इमाम कुस्तलानी जैसे, वो कहते हैं कि हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इस वक्त अपनी कब्र अनवर में आराम फरमा रहे हैं। हाँ, कब्र अनवर में आराम फरमा रहे हैं और अपना तो अकीदा ये है कि हुजूर आराम फरमा रहे हैं। और सूफिया फरमाते हैं, हमारे मुहद्दिसीन और उलमा ने सीरत निगारों ने भी लिखा है कि अल्लाह की रहमतें उनकी तरफ मुतवज्जे हैं, वो अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हैं और वो दुआ कर रहे हैं रब्बे हबली उम्मती, अब भी दुआ कर रहे हैं रब्बे हबली उम्मती, जब कब्र में रखे गए थे तब भी दुआ थी, अब भी दुआ है और कयामत में उठेंगे तो भी इसी के साथ रब्बे हबली उम्मती कहते हुए। हुजूर अलैहि सलात व तस्लीम के चूंकि हमारा अकीदा तो यही है कि हमारे नबी जिंदा हैं और कब्र अनवर में जिंदा हैं और बल्कि हम तो ये कहते हैं कि वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल उला के तहत उनकी पहले की जो जिंदगी थी अब की जिंदगी उससे बढ़कर है, इसलिए कि कुरान कहता है कि आपकी पिछली घड़ी से आने वाली घड़ी बेहतर है, तो आने वाली घड़ी में हर चीज को उरूज है, हर चीज को तरक्की है, हर चीज के दर्जात जो है वो बुलंद है, ये एक अलग सनवान है। नबी मरकर मिट्टी में नहीं मिलता बल्कि नबी का गुलाम मिट्टी में नहीं मिलता, नबी का गुलाम मिट्टी में नहीं मिलता, जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता, बल्कि शहदाए ओहद की कब्रें जब खुली थी तो उस वक्त लोगों ने देखा था नहर खुदवाने के दरमियान जब खुली थी कि वो शहदाए ओहद जिनको कफन के बगैर
घास के पत्तों से ढक करके दफन कर दिया गया था, तो उनके जिस्म भी सही सलामत थे, और जिसको जहां पे जख्म लगा था वो उसी जख्म पे हाथ रख के लेटा हुआ था। जब हाथ हटाया गया बरसों के बाद, यानी जब बरसों बाद कब्र खुली, जख्मों पे हाथ थे, हाथ हटाया गया तो वहां से भी ताजा खून निकल रहा था। और वला तकूलू लिमन युक्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात की एक अजीम तफसीर गोया पे बयान हो रही थी। तो हुजूर अलैहिस्सलाम के जिस्म अथर से, जिस्म अक्दस से जो मिट्टी मस है, जो मिट्टी लगी हुई है, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम के जिस्म मुनव्वर से, जिस्म अक्दस से जो मिट्टी लगी हुई है कब्र अनवर में, उस मिट्टी के मुतालिक हमारे सूफिया और मुहद्दिसीन का मसलक ये है कि जिस मिट्टी को ये शरफ नसीब हुआ कि वो हुजूर अलैहिस्सलाम के जिस्म अतहर से मस हो गई, उस मिट्टी का मर्तबा अब जन्नत से भी बुलंद है, अर्श से भी बढ़कर है, काबतुल्ला से भी बढ़कर है। किसका मर्तबा? मिट्टी। किस मिट्टी? किस मिट्टी का मर्तबा? जो मिट्टी हुजूर के जिस्म अतहर से मस हो गई। थोड़ी सी आपकी तवज्जो चाहता हूं, ध्यान दे, इसलिए कि किस अजीम हस्ती का जिक्र हो रहा है और किस शान से हमें जिक्र करना है, थोड़ी तवज्जो फरमाएं। इसलिए कि ये वो हस्तियां हैं जिनकी अजमत और बुजुर्गी का अंदाजा कोई कर नहीं सकता। इनकी अजमतों के मीनार इतने बुलंद हैं कि देखने वालों की टोपियां गिर सकती है, लेकिन अजमतों की इंतहाई मीनार पर किसी की नजर नहीं जा सकती। ये वो हस्तियां हैं, अल्लाह अकबर। तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अथर से जो मिट्टी मस हो जाए, वो अर्श से अफजल, काबतुल्लाह से अफजल। गोया के मखलूक में जो मकामात बयान हो रहे, काबा अर्श, इससे अफजल हो गई वो मिट्टी जो मुस्तफा जान रहमत के जिस्म से मस हो गई। अब आप अंदाजा करें, जब मिट्टी नबी के जिस्म से मस हो जाए तो वो अर्श और काबे से भी अफजल हो जाती है। अब मैं सैयदा फातिमा की अजमत बयान करते हुए अगर ये कहूं कि उनका मकाम अर्श की तरह है या उनका मकाम काबे की तरह है, तो किस मुंह से कहूं? इसलिए कि उनके जिस्म से जो मिट्टी मस हो जाती है वो अर्श और काबे से अफजल हो जाती है। तो फातिमा किसी मिट्टी का नाम नहीं है, फातिमा के बारे में तो हुजूर फरमाते हैं, बोला तो मिली कि वो मेरे जिगर का टुकड़ा है। अगर मिट्टी मस हो जाए वो काबे से अफजल है, तो नबी के जिगर के टुकड़े की शान का आलम क्या है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। सैयदाए कायनात सैयदा फातिमतुज़्ज़हरा के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने अपनी बेटी का नाम फातिमा इसलिए रखा, और फरमाते अल्लाह के हुक्म पे रखा, नाम अल्लाह के हुक्म पे रखा। हालांकि हुजूर अलैहिस्सलाम की चार बेटियां थी, और हमारा अहल सुन्नत का अकीदा है कि चारों हुजूर ही की बेटियां हैं। हाँ, लेकिन ये उनके कर्म की बात है, जिसे चाहे जैसे नवाज दे, ये मिजाज इश्क रसूल है, उनके कर्म की बात है। तीनों बेटियां भी बड़ी अजीम है, और पूरी कायनात में एतबार नसब हुजूर की सुलभी औलाद से बढ़कर किसी का नसब नहीं है, चाहे वो जनाब इब्राहिम हो, जनाब कासिम हो, तैयब ताहिर हो, बख्तिलाफ रिवायत नाम जिक्र कर रहा हूं, या फिर सैयदा जैनब हो, उम्मे कुलसूम हो, हजरत रुकैया हो, सैयदा फातिमा, इनके नसब पूरी कायनात में सबसे आला, नस्बी एतबार से इनकी फजीलत कोई शरीक नहीं है, नसब के एतबार से। क्यों? क्योंकि इनके वालिद बुजुर्गवार सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हम चारों बेटियों को मानते हैं, लेकिन हुजूर ने खुसूसियत के साथ सैयदा फातिमतुज़्ज़हरा के कुछ फजाइल बयान फरमाए। ये खास करती है क्योंकि हुजूर का अंदाज, हुजूर जिसे जो चाहे अता करे, इसलिए कि जिसको जो चाहा अता किया और जिसे जिस तरह चाहा नवाजा। अब ये क्यों नवाजा? हुजूर ने सबसे ज्यादा प्यार तो इन्हीं से किया, सब प्यारी थी लेकिन इनसे बहुत प्यार किया।
इतना प्यार किया। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि मैंने एक दिन हुज़ूर अलैहिस्सलाम से पूछा कि या रसूल अल्लाह आपको सबसे ज्यादा किससे प्यार है, तो फरमाया फातिमा से। फातिमा मुझे सबसे ज्यादा प्यारी, कहा मर्दों में तो कहा उनके शौहर, ये नहीं फरमाया अली से, ये भी खास बात है, अली नाम नहीं लिया, फरमाया ज़ौजुहा उनके शौहर से पता चला फातिमा प्यारी है। फातिमा प्यारी है तो फातिमा का शौहर भी प्यारा है। हालांकि मौलाए कायनात से बड़ी मोहब्बत थी, बड़ा प्यार था, लेकिन यहां इजहार मोहब्बत नस्बत फातिमतुज़्ज़हरा के जरिए से किया गया है। यह भी खास मोहब्बत का अंदाज है ताकि उनके शौहर, हालांकि मौलाए कायनात भी बड़े प्यारे थे, फरमाया ना कि अंताखिफी दुनिया वाला आखिरत, तुम मेरे भाई हो दुनिया में भी और आखिरत में भी। और सरकार ने सलात व तस्लीम ने फरमाया कि तुम मेरे बड़े प्यारे हो, बहुत मोहब्बत है तुमसे। बल्कि मोहब्बत का आलम यह था कि जब मौलाए कायनात को एक जंग पर भेजा तो हाथ उठा के दुआ किए, ना उस वक्त तक मोहम्मद को मौत मत देना जब तक कि अली को देख ना लो। आप गौर फरमाएं, हम दुआ करते हैं अल्लाह जब तक गुंबदे खजरा ना देखूं हमें मौत ना आए, हम दुआ करते जब तक गुंबदे खजरा ना देखूं मौत ना आए, लेकिन हुजूर दुआ कर रहे, ये मोहब्बत है, निहायत दर्जे की मोहब्बत है कि दुआ करते अल्लाह जब तक मैं अली को ना देख लूं। हाय हाय वो चेहरा कैसा होगा कि हुजूर ने उस चेहरे की बुजुर्गी बढ़ाने के लिए फरमाया और कहा कि अल्लाह जब तक मैं अली को ना देख लूं। कुर्बान जाए, ये मोहब्बत है हुजूर की, जिसे जो चाहे गुलामों को जैसे चाहे नवाजे। लेकिन सैयदा फातिमतुज़्ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज कर रहा था कि सैयदा कायनात सैयदा फातिमतुज़्ज़हरा के मुतालिक आका फरमाते हैं कि मैंने अपनी बेटी का नाम अल्लाह के हुक्म से फातिमा इसलिए रखा कि अल्लाह ने फातिमा पर भी जहन्नम की आग को हराम किया। हालांकि यह भी बुखारी शरीफ की हदीस है जिसको और भी कुतुब में है, मैं बतौर मफहूम अर्ज कर रहा हूं कि फातिमा पर भी जहन्नम की आग हराम है। और फातिमतुज़्ज़हरा से जिन लोगों ने मोहब्बत की अल्लाह ने उन पर भी जहन्नम को हराम फरमा दिया। हाय 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 सुभान अल्लाह। यानी कि हम ये जो यहां बैठे हैं मोहब्बत सैयदा के अंदर, तो यूं ही नहीं बैठे हैं, अगर मोहब्बत कबूल हो गई तो जहन्नम के हराम होने का मुज़्ज़ा मिल गया, और जिस पर जहन्नम हराम हो गई उसका ठिकाना जन्नत ही है। और एक मकाम पर फरमाते हैं कि फातिमा ने अपनी इस्मत और तहारत की का ऐसा ख्याल किया कि अल्लाह ने फातिमा पर और कयामत तक उसकी जुर्रियत पर जहन्नम की आग को हराम फरमा दिया। सैयदा फातिमतुज़्ज़हरा की शान ये। लेकिन कुर्बान जाए, इतने बड़े बाप की बेटी, जिंदगी में सादगी क्या है? सैयदा आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन अम्मा जान आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं, मैंने हुजूर से सूरत में सबसे ज्यादा किसी को मुशाबे देखा, सबसे ज्यादा हुजूर की सूरत से अगर किसी की सूरत मिलती थी वो फातिमा थी। बोलने का अंदाज हुजूर की तरह, चलने का अंदाज हुजूर की तरह, चलना हुजूर की तरह, बोलना हुजूर की तरह, सूरत हुजूर की तरह, सीरत हुजूर की तरह, सखावत हुजूर की तरह, और दिल की सफाई भी हुजूर की तरह थी। यानी कि दुश्मनों को जो नवाजने का अंदाज है, अग्यार को जो नवाजने का अंदाज है, हुजूर का जो अंदाज हमने देखा उसी अंदाज से लोगों को नवाजती थी। बल्कि किसी लिखने वाले बहुत बड़े मुफक्किर ने लिखा है कि जब सैयदा जमीन पर चलती थी तो यूं लगता था जैसे अर्श फर्श पर जलवगर हो गया हो, जैसे अर्श जमीन पर आ गया हो। इसलिए कि अभी मैंने अर्ज किया कि हुजूर ने जिसको अपने जिगर का टुकड़ा कहा, हम उसको अर्श भी कहें तो किस मुंह से कहें? इसलिए कि अर्श से अफजल तो वो मिट्टी हो जाती है जो उनके जिस्म अथर से मस हो जाती है। बहरहाल सैयदा कायनात का बचपन का आलम यह था, अभी विलादत बचपन अल्लाह अकबर। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं एक दिन मेराज पर गया, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम की मेराज 34 मरतबा बयान की जाती है, एक मरतबा जिस्मानी मेराज है, 33 मरतबा रूहानी मेराज है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं मेराज पर गया, मैंने जन्नत की सैर की, मैंने
जब वो गुंचा देखा, एक फूल देखा और वो जन्नत में बड़ा खूबसूरत था, उसकी खुशबू जन्नत के फूलों पर गलबा करती थी। मेरे दिल ने चाहा कि मैं इस फूल को तोड़ करके खा लूं, और फिर उस फूल को मैंने खा लिया। और जब मैंने खाया तो खाने के बाद जब मैं आया तो मेरे दिल ने चाहा कि खदीजतुल कुबरा से मुलाकात की जाए, कुर्बत की जाए। हुजूर फरमाते हैं फिर मैंने मुलाकात की और उसी रात फातिमा अपनी माँ के शिकम में आई। तो फातिमा औरत की शक्ल में वो जन्नती फूल है जो खाया गया था। इसीलिए हुजूर अलैहिस्सलाम सैयदा फातिमा के सर को सूंघा करते थे और आका फरमाते हैं कि जब मैं जन्नत के उस फूल की खुशबू को सूंघना चाहता हूं तो फातिमा के सर को सूंघ लेता हूं, वो खुशबू को मैं महसूस कर लेता हूं। सैयदाए कायनात फातिमतुज़्ज़हरा की जब विलादत हुई, विलादत के बाद चूंकि बचपना आपका हुजूर अलैहिस्सलाम की गोद में, बहुत सारे मौरखीन सीरत निगारों ने लिखा कि आप ऐलान नबुवत से कबल पैदा हुई, और बहुत सारों ने लिखा कि ऐलान नबुवत के बाद पहली नबुवी में पैदा, नबुवत के ऐलान के बाद। जो भी हो तो हुजूर अलैहिस्सलाम की गोद में परवरिश हुई, और उस खातून की गोद में जिसके लिए अर्श से सलाम आता था, उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा, जिसे मोहसिने इंसानियत कहा जाए या मोहसिने इस्लाम कहा जाए, बेजा ना होगा, सबसे पहले जिसने अपने माल को मुस्तफा जाने रहमत के कदमों में रखा अल्लाह के दीन के लिए, सबसे पहले हुजूर अलैहिस्सलाम की कितनी खिदमत की। ऐसा भी वक्त आया कि हुजूर अलैहिस्सलाम को पत्थर मारे गए और सरे अनवर फट गया। उस वक्त कपड़ा और कोई चादर नहीं था पट्टी बांधने के लिए, तो अपना दुपट्टा फाड़कर हुजूर के सर पे पट्टियां बांधती थी। ये खिदमत है आपकी, और मलके तुजार कहलाती थी। एक वक्त वो था, और जब विसाल का वक्त आया तो ऐसे भी हालात आए कि घर में चिराग जलाने के लिए तेल भी नहीं था। सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा व रदी अल्लाह तआला अन्हा, ये शान है आपकी अम्मी जान की। तो सैयदा खदीजा की गोद में परवरिश हुई, हुजूर की गोद में परवरिश हुई। 4 साल की उम्र थी, एक दिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से सैयदा खदीजा ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मेरा दिल चाहता है कि मैं अपनी बेटी को कुछ ज़ेवरात पहनाऊं। और उसके बाद 4 साल की नन्ही सी उम्र में सैयदा फातिमतुज़्ज़हरा के लिए माँ खदीजतुल कुबरा ने, जो कि दौलतमंद थी, अल्लाह ने दौलत दी थी, मलके तुजार कहलाती थी, कुछ ज़ेवरात खरीदे और हुज़ूर अलैहिस्सलाम से अर्जी की कि हुज़ूर अपने हाथों से पहनाएं। और फिर माँ खदीजा ने और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने मिलकर सैयदा फातिमा को 4 साल की छोटी सी उम्र में ज़ेवरात पहनाए, और ज़ेवरात पहनने के बाद घर के बाहर निकली, और थोड़ी देर के बाद जब अंदर घर में दाखिल हुई तो हाथ और वजूद से ज़ेवरात नहीं थे, हाथ पैर और आज़ा ज़ेवरात से खाली थे। जाहिर सी बात है, हम कोई मोबाइल कीमती बच्चे को दे दें या कोई कीमती चीज दे दें, बच्चा घर में आए और उसके बाद उसके हाथ में वो चीज ना हो तो हमें फिक्र होती है फला चीज क्या हुई, फला कीमती चीज क्या हुई। अल्लाह अकबर, माँ खदीजा ने पूछा, बेटी वो ज़ेवरात जो पहना करके बाहर निकाला था तो ये ज़ेवरात कहाँ गए? सैयदा ने बड़ी अल्लाह अकबर सादगी से अर्ज किया, अम्मी जान एक गरीब खातून जा रही थी जरूरतमंद, मैंने सोचा कि ज़ेवरात पहनकर करना क्या है, मैंने ज़ेवरात उतार कर उसको दे दिए ताकि उसका काम निकल जाए। अल्लाह अकबर, जिसकी बचपने की सखावत का ये आलम हो, अल्लाह अल्लाह, उसके शबाब में सखावत का आलम क्या होगा। और कैसे सखावत की है कि बाबा की सखावत लोगों को याद आ गई है। अल्लाह अल्लाह, लोग कहने वालों ने कहा है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने पूरी जिंदगी में कभी साहिल को ना नहीं कहा। अल्लाह अकबर, बल्कि अगर पास होता तो दे देते, और पास नहीं होता तो फरमाते जाओ जिस चीज की जरूरत हो मेरा नाम लगाकर बाजार से खरीद लो, और दुकान पर मेरा नाम लगा देना, बाद में मैं अदा कर दूंगा जब मेरे पास आएंगे तो। हुजूर की सखावत का ये आलम था। अल्लाह अकबर, शहजादी कौनैन की सखावत क्या थी, बाबा से सखावत कैसे सीखी थी। कुर्बान जाए, एक मर्तबा एक यहूदी आया, और आने के बाद अल्लाह अकबर, बल्कि मुसाफिर आया, मुसाफिर ने आने के बाद मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की, ऐ मोहम्मद अरबी, मैं भूखा हूं, मुसाफिर हूं और मुझे खाने की हाजत है। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाए, उस वक्त कौनैन के वाली, अल्लाह अकबर, कायनात के वाली, मालिक जन्नत मुस्तफा जाने रहमत के घर में चूल्हा नहीं जला हुआ था और कई दिन हो चुके थे। आपने सुना होगा, सीरत निगारों ने लिखा है, कभी कभी हुजूर अलैहिस्सलाम के घर में
तीन तीन दिन तक चूल्हा नहीं जलता था, कभी एक महीना भी हो जाता था, बल्कि बास सीरत निगार यहां तक गए हैं कि एक महीने का चांद तुलू होता और हो जाता और उसके बाद जो वो चूल्हा नहीं जलता, दूसरे महीने का चांद तुलू होता और वो भी खत्म हो जाता फिर भी चूल्हा नहीं जलता, और तीसरे महीने का चांद तुलू होता और वो भी खत्म हो जाता, और कौनैन के ताजदार के घर में चूल्हा नहीं जलता था। उन दिनों बकरी के दूध पर, खजूर पर और पानी पर गुजारा कर लिया जाता था और किसी को इत्तला तक नहीं हो पाती थी कि हुजूर अलैहि सलाम के घर में चूल्हा नहीं जला है। कुर्बान जाए अल्लाह अकबर, इस शान से मुस्तफा जाने रहमत ने जिंदगी गुजारी है। काश हमें ये एहसास होता कि जिस नबी के घर में तीन तीन महीने तक चूल्हा नहीं जला सिर्फ इस दीन को हमारे घर तक पहुंचाने के लिए, आज हम एक दिन में तीन तीन मर्तबा पेट भर के खाते हैं और हमने मस्जिदों को वीरान किया है, हमने अपनी बेटियों को माजल्ला जदीद तहजीब और रोशन ख्याली के नाम पर आवारा गर्दी के लिए छोड़ दिया है। कौम की बेटियां आज अल्लाह अकबर बाजारों में बेनकाब और बेहिजाब घूम रही है, कभी कोचिंग के नाम पर, कभी यूनिवर्सिटी के नाम पर, कभी रोशन ख्याली के नाम पर। हमारी बेटियां गैरों से गुफ्तगू करते हुए और उनके साथ गपशप करती हुई नजर आती है। याद रखो, जिस कौम के अंदर सैयदा फातिमतुज़्ज़हरा जैसी खातून हो, फातिमतुज़्ज़हरा को मानने वाली कौम अगर अपनी बेटियों को बेपर्दा आवारा गर्दी के लिए छोड़ दे तो हमसे बढ़कर जफाकार कौन होगा। जिस नबी के घर में तीन तीन महीने तक चूल्हा नहीं जलता था सिर्फ दीन की हक्कानियत को हमारे घर तक पहुंचाने के लिए, अगर उस नबी के दर्द को, उनकी मेहनत को, उनकी काविशों को, उनकी कोशिशों को हम महसूस नहीं करेंगे तो कौन करेगा। बड़ी माजरत के साथ, अगरचे मेरा उनवान ये नहीं लेकिन ये जरूर कहना चाहता हूं, पूरी दुनिया लॉकडाउन में डूबी हुई है। कोरोना वायरस की वबा ने पूरी दुनिया को अपने लपेट में ले लिया है। मैं नहीं जानता हकायक क्या है, साजिशें क्या है, मैं इस पर कोई तफसरा नहीं करना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं, मेरा अल्लाह कुरान में फरमाता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, कि तुम पर जो भी मुसीबतें आती है वो तुम्हारे आमाल का किया धरा है, वो तुम्हारे हाथ की कमाई है। अल्लाह अकबर, लॉकडाउन के अंदर और कोरोना की वबा के अंदर मुस्लिम उम्मा को तो ये चाहिए था, हम अल्लाह की बारगाह में रोते, गिड़गिड़ाते, सजदा करते, आहोजारी करते, रुजू अल्लाह करते, अल्लाह की तरफ रुजू करते, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होते, पशेमा होते। लेकिन दुनिया ने क्या दिन दिखाए, लॉकडाउन के फ्री औकात में लोग अल्लाह की इबादत करने की बजाय जुआ खेलने के लिए बैठ गए। जितना नशा लॉकडाउन में लोगों ने आम किया है उतना नशा शायद ही किसी दिनों में आम किया गया होगा। जुआ जितना खेला गया लॉकडाउन के अंदर, मिटने वाली, तबाह होने वाली, बर्बाद होने वाली कौम का अंदाज यही होता है। जिस रास्ते पे हम जा रहे हैं, खुदा के लिए अल्लाह की तरफ रुजू करो, अपने नबी की मेहनतों का अंदाजा करो। बल्कि मैं गुफ्तगू जो कर रहा था, हमने तो बहुत कुछ सिर्फ अकीदतों के फूल लुटाने की बातें की है, जबानी अकीदतें कभी किसी को कामयाबी के साहिल तक नहीं पहुंचा सकती। मैं पूछना चाहता हूं, सैयदा फातिमत ज़हरा की अजमत का एक बाप शाब अबी तालिब भी है, सिर्फ 5 साल की नन्ही सी उम्र में बाबा के साथ शाब अबी तालिब के अंदर कैद कर दी गई है और बाबा के साथ खुद भी भूखी रही है, खुद भी प्यासी रही है। मैं पूछता हूं, 3 साल तक ये अय्याम गुजारे सैयदा फातिमा ने अपने वालिद बुजुर्गवार के साथ, हम इसका एहसास कब करेंगे, इसका एहसास कब करेंगे। बहरहाल मेरा उनवान वो नहीं है, मैं सिर्फ चंद जुमले बतौर एहसास, इसलिए कि मैं कोई खतीब नहीं हूं, मेरी अपनी जिम्मेदारी यह है कि मैं आप लोगों को जो है वो सिर्फ एहसास दिलाऊं या दिल का दर्द आपके सामने रखूं, अल्लाह करे किसी के दिल में उतर जाए। तो सैयदा कायनात बाबा के बड़े मुशाबे, हुजूर की सखावतों का आलम यह था कि नहीं होता बजाहिर कुछ पास में तो कहते जाओ दुकान से ले लो, मेरा नाम कह के बाद में मैं अदा कर दूंगा। एक दिन मुसाफिर आकर के कहता है कि मैं भूखा हूं, ए मोहम्मद अरबी मुझे खाना खिलाओ। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के घर में कई दिन से चूल्हा नहीं जला था। सरकार ने फरमाया, सलमान इस मुसाफिर को ले जाओ और फातिमा से कहना कि इसको खाना खिला दे, इस मुसाफिर को ले जाओ और कहना फातिमतुज़्ज़हरा से कि इसको खाना खिला दे। सैयदना सलमान फारसी चले, दरवाजे पे दस्तक दी,
सैयदा ने पूछा, कौन? तो कहा, सलमान, आपके बाबा का गुलाम हूँ। इसलिए आया हूँ कि एक मुसाफिर है, भूखा है, और हुजूर की बारगाह में आया था। सरकार ने कहा कि फातिमा से कहना खाना खिला। सैयदा ने कहा, सलमान, 3 दिन हो गए, हमारे घर में भी चूल्हा नहीं जला है। 3 दिन हो गए, हमारे घर में भी चूल्हा नहीं जला। लेकिन चूंकि ये हमारे घर की रिवायत नहीं है कि आने वाले साहिल को खाली लौटा दे। हाय हाय, ऐ सैयदाए कायनात, आपके घर की यकीनन ये रिवायत नहीं है। जब आपके शहजादों ने ऐसा नहीं किया तो आप कैसे कर सकती है? लेकिन आज हम भी खाली दामन फैलाए बैठे हुए हैं, आपके लाडले बेटे के उर्स की तकरीब में आपका जिक्र करते हुए हमें भी तवज्जे फरमा, हम पे भी तवज्जे फरमा दे, और हमारे दामनों को भी गौहरे मुराद से भर दे। आओ दरे जहरा पर फैलाए हुए दामन, आओ दरे जहरा पर फैलाए हुए दामन। नस्लें हैं करीमों की, लजपाल घराना है। सैयदाए कायनात ने कहा, मेरे घर की रीत नहीं है आने वाले को खाली लौटाऊं। एक काम करो सलमान, ये मेरा दुपट्टा ले जाओ, और ले जा करके जो है वो फुला यहूदी से कहना कि वो इसको चंद दिन के लिए गिरवी रखे और कुछ पैसे दे दे, और जो रकम आए उससे इस मुसाफिर को खाना खिला दो, ताकि ये खाना तो खा ले। अल्लाह अकबर, आप गौर तो करें, ये कुर्बानी खानदान रिसालत की, ये शान सखावत खानदान रिसालत का, ये अंदाज। और फिर उसके बाद वो दुपट्टा हजरत सलमान फारसी ने लिया। अल्लाह अल्लाह, और उस दुपट्टे की शान का आलम क्या था। इमाम अहले सुन्नत कहते हैं, जिसका आंचल न देखा महो महर ने, जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। जिस दुपट्टे को कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा था, अल्लाह अकबर, वो रिदाए नाज, वो अजीम रिदा, अल्लाह अकबर, सलमान फारसी ने लिया। और उसके बाद जो यहूदी के पास तशरीफ ले गए और कहा कि ये दुपट्टा फातिमतुज़्ज़हरा का है, ये दुपट्टा फातिमतुज़्ज़हरा का है, इसे गिरवी रख लो या खरीद लो, और जो पैसे आए वो दे दो। कहा कि आज जहरा को ये कौन सी जरूरत पेश आई है कि वो दुपट्टा फरोख्त कर रही है? तो कहा कि एक मुसाफिर भूखा आया है, उसको खिलाने के लिए कुछ है नहीं, तो दुपट्टा फरोख्त करके या गिरवी रख करके खिलाना चाहती है। तो उसके बाद उस यहूदी ने कहा, ये वही लोग हैं जिनका जिक्र अल्लाह ने तौरात में मूसा से किया था। और फिर कहा, ये पैसे भी ले जाओ, ये दुपट्टा भी ले जाओ, और उनसे कहना कि मैं उनके बाबा का कलमा पढ़ के मुसलमान हो चुका हूँ। इसलिए कि ये वही लोग हैं जिनका तस्किरा मूसा अलैहि सलाम से किया गया था। अल्लाह अल्लाह, खुद बह के खुद भूखे रहकर दूसरों को खिलाते हैं, ये शान हुजूर के घराने वालों की है। ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले, रह के फाकों में गरीबों को खिलाने वाले, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। अल्लाह अकबर, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों। उसके बाद वो रकम ली, वो पैसे लिए, और सलमान फारसी ने खाना खरीदा, और खिलाने के बाद उस मुसाफिर को तो खिला दिया, खिलाने के बाद जो खाना बचा था वो लेकर क्या है, कहा सैयदा, वो तो पैसे, दुपट्टा भी वापस दिया, पैसे भी दिए, और हमने खाना खरीदा था, वो मुसाफिर खा चुका। आपने कहा कि 3 दिन से हमने हमारे घर में चूल्हा नहीं जला, तो कुछ खाना मैं आपके लिए भी लाया हूँ, आप अपने बच्चों के साथ खा लें। फरमाया, सलमान ले जाओ, और इसको भी अल्लाह की राह में तकसीम कर दो। क्यों? एक मरतबा हम जिसको अल्लाह की राह में दे दिया करते हैं, दोबारा फिर वापस नहीं लिया करते। ये सैयदा फातिमतुज़्ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शान है। अल्लाह अकबर, पूरी जिंदगी का हाल ये है, इबादतों का हाल, रियाजतों का हाल, एक एक चीज देखें। इमाम हसन मुश्तबा कहते हैं कि मैंने अपनी माँ को देखा, पूरी पूरी रात इबादत, पूरा पूरा दिन इबादत, और जब दुआ के लिए हाथ उठाती थी तो हुजूर की उम्मत ही के लिए दुआ करती थी, कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। हुजूर की उम्मत ही के लिए दुआ करती थी, अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा। एक दिन मैंने पूछा, अम्मी, आप दूसरों के लिए मांगती है और फिर जो है वो अपने लिए कुछ नहीं मांगती? फरमाया, बेटा, पहले पड़ोस है फिर हम खुद हैं। पहले पड़ोस है, अव्वल जो वो जवार है, उसके बाद दार है। अल्लाह अकबर, ये फिक्र थी। बल्कि जिस वक्त हुजूर अलैहि सलातो व तस्लीम ने जो है सैयदाए पाक के निकाह का इरादा फरमाया,
निकाह का इरादा बड़ी तफसील है रूहुल बयान के अंदर और कई मकामात पर उसका जिक्र अल्लामा इस्माइल हक्की अलैहि रहमा ने किया है, लेकिन मैं इख्तिसार के साथ अर्ज कर रहा हूं कि सैयदा पाक खातून ने जन्नत के जब निकाह का जिक्र किया आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मैंने अपने खानदान के सबसे बेहतरीन इंसान को तुम्हारे लिए मुंतखब किया है, तो पूछा कि बाबा मेहर क्या मुकर्रर किया है, तो सरकार ने फरमाया कि इतने तोला चांदी, आज उसके हिसाब से अगर हम लगाते हैं तो वो 150 तोला चांदी होती है, तो इतनी चांदी जो है गोया कि मेहर मुकर्रर हुआ। तो सैयदा ने पूछा बाबा जान सबका मेहर दिरहम और दीनार होता है, मेरा मेहर कुछ अलग होना चाहिए बाबा जान, तो सरकार ने फरमाया क्या चाहती हो, तो अर्ज की बाबा जान मेरी तमन्ना यह है कि मेरे मेहर के अंदर अल्लाह आपकी उम्मत को बख्श दे, जन्नत अता फरमा दे। अल्लाह अकबर, ये फिक्र थी और बाबा जान की उम्मत के लिए फिक्र ये थी, सैयदाए कायनात की फिक्र ये थी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक मर्तबा इमाम हुसैन से किसने कहा, हुसैन तुम्हारी माँ बड़ी नेक थी, तुम्हारी माँ बड़ी पारसा थी, आपकी आंखों में आंसू आ गए और फरमाया तूने सच कहा। वल्लाह जिस वक्त मेरी मां का विसाल हुआ उस वक्त मैं सिर्फ 7 या 8 साल का था, लेकिन उस उम्र में भी मैंने कभी अपनी मां के बालों को नहीं देखा, मेरी मां इतनी परहेजगार थी कि वो अपने बालों की हिफाजत भी अपने बच्चों से किया करती थी। ये सैयदाए कायनात का उस्वा है। अल्लाह अकबर, आज फिक्र क्या हो गई, अंदाज क्या हो गया, एक बाप अगर बेटी दुपट्टे को मफलर बनाकर गले में लटका के घूम रही, बाप उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं ले और आप तो इसको कोई बुरा भी नहीं समझता, अल्लाह अकबर। और कुछ लोगों का हाल यह है कि वो चाहते हैं कि मुस्लिम बेटियां बेनकाब हो जाएं, बेहिजाब हो जाएं और आबरू का सौदा होने लगे। याद रखना, जब तक पर्दे की पाबंदी रहेगी बेटियों की आबरू को तहफ्फुज़ नसीब होगा, जिस वक्त पर्दे का खात्मा होगा हर बेटी को तकने वाले लोग ऐसे तकेंगे जैसे भूखा दस्तरखान की गिजाओं को तकता है। और सुन लो, हर बाप की जिम्मेदारी है, हर बाप की जिम्मेदारी है कि वो अपनी बेटी की आबरू को तहफ्फुज़ दे। क्यों? उसकी वजह यह है कि मेरे आका अली सलाम ने फरमाया जिस घर की औरतें बेपर्दा घूमती हों, जिस घर की औरतें बेपर्दा घूमती हों और उस घर के मर्द उन्हें नहीं रोकते, अल्लाह ऐसे मर्द को का ना फर्ज कबूल करता है ना नफल कबूल करता है, ना उनकी नमाजें कबूल होती ना उनकी दुआएं कबूल होती है। आइए, एक बुजुर्ग ने अपने अंदाज से सैयदा फातिमतुज़्ज़हरा के हवाले से मुस्तफ़ा जाने रहमत की गैरत का तस्किरा किया है। मैं नहीं जानता उस बुजुर्ग ने कहां तक इंसाफ किया है, लेकिन नाकिल की हैसियत से मैं उस बात को बयान करना चाहता हूं। वाकया तो हकीकत है, बिल्कुल हकीकत है, कुरान में भी है, तफसीर में भी है, लेकिन उन्होंने जिस अंदाज से नक्शा खींचा है, उन्होंने कहां तक इंसाफ किया है, ये मैं उनकी दयानत पर छोड़ते हुए हुस्ने ज़न के साथ सिर्फ नकल कर रहा हूं। आपको पता होगा आयत मुबाहला, जब आयत मुबाहला नाजिल हुई सूरह आल इमरान के अंदर आप जानते हैं, तो उस वक्त हुजूर अलैहि सलाम से कहा गया कि आप इन ईसाइयों से कह दें कि ये अपने बेटों को लाएं, आप अपने बेटों को लाएं, ये अपनी औरतों को लाएं, आप अपनी औरतों को लाएं, ये खुद आए आप भी खुद आए, और एक दूसरे पर जो है यानी कि जो झूठे पर लानत करें जो झूठा होगा वो हलाक होगा। तो उस वक्त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटों की हैसियत से सरकार हसनैन करीमैन का इंतखाब फरमाया। देखो ये भी इंतखाब मुस्तफा जान रहमत था, उस वक्त बड़ी शान वाले लोग मौजूद थे, लेकिन इंतखाब हुजूर अलैहि सलाम का, उस वक्त हसनैन करीमैन हजरत हसनैन करीमैन को बेटों की हैसियत से और फिर अपने घर की खातून की हैसियत से सैयदा पाक का इंतखाब फरमाया और फिर जय मौलाए कायनात को साथ लेकर चले। अब लिखने वाले ने जो बात मैं अर्ज करना चाहता हूं कि ये कि लिखने वाले ने किस अंदाज से इसका नक्शा खींचा है कि जब ये काफिला चला अल्लाह के दीन की मदद के लिए, अल्लाह के दीन की नुसरत के लिए, अल्लाह के दीन की हक्कानियत के इजहार के लिए चला, तो हुजूर अलैहि सलाम की शान से इस काफिले को लेकर के चले कि गोद में इमाम हुसैन थे, उंगली पकड़े हुए इमाम हसन थे, आगे आगे मुस्तफा जाने रहमत थे और उनके पीछे सैयदा फातिमतुज़्ज़हरा को रखा गया था और उनके पीछे मौलाए कायनात को रखा गया था। कहने वाला कहता है, लिखने वाला लिखता है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने गोद में इमाम हुसैन को इसलिए लिया था, ये इमाम हुसैन तो मौला अली के हाथ में भी दिए जा सकते थे,
अम्मी के हाथ में भी दिए जा सकते थे, लेकिन हुजूर ने खुद क्यों लिया? इसलिए कि माँ और वालिद अगर इन्हें लेकर के जाते तो कोई ये कह सकता था, इसलिए कि नासबियत को भी उरूज मिलना था, खारजियत को भी उरूज मिलना था। नासबियत और खारजियत के जरासीम कह सकते थे, अरे माँ जाती है तो बच्चा खुद ब खुद जाता है, अगर हुसैन गए तो कौन सा कमाल हुआ, हसन गए तो कौन सा कमाल हुआ। लेकिन आयते मुबारका के नज़ूल के बाद हुजूर अपनी गोद में हुसैन को बिठाकर और हसन पाक उंगली पकड़कर ये बताना चाहते हैं, माँ की ममता नहीं ले जा रही है, दीन की जरूरत लेकर के जा रही है। ये ना समझना, दीन की हक्कानियत के इजहार के लिए दीन की जरूरत इन्हें लेकर जा रही है, और फिर कयामत तक बता दिया गया, और जब भी दीन को जरूरत पड़ेगी, आज हसन और हुसैन जा रहे हैं, कयामत तक औलादे हुसैन आते रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब दिल्ली के इल्हाद को ईमान का जामा पहनाया जाएगा, उस वक्त भी फातिमा का बेटा दिल्ली में आएगा, कभी निजामुद्दीन की शक्ल में आएगा। जब भी दक्कन की जुल्फे परीशा को संवारने की जरूरत होगी, उस वक्त भी हसन और हुसैन का बेटा फातिमा का लाल बंदा नवाज गेसु दराज की शक्ल में आएगा। हाँ, जब हिंदुस्तान कुफ्रिस्तान बना होगा, तो 90 लाख के सीनों में ईमान की शमा रोशन करने के लिए उस वक्त भी फातिमा का लाल मैदान में आएगा। जब जब दीन को जरूरत पड़ेगी, आले फातिमा जरूर मैदान में, और देख ले आप, और फिर आखिरी में जब कोई ना बचेगा, आखिरी में जब कोई ना बचेगा, शर्क से लेकर गर्ब तक बेदीनी ही बेदीनी होगी, तो जो आखिरी में इमाम बनकर आएगा, जिसे दुनिया मेहदी कहती है, वो भी फातिमा तो जहरा का बेटा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतने अच्छे अच्छे बेटे अल्लाह ने किसी माँ की नस्ल में पैदा ही नहीं। अगर हम सैयदा फातिमतुज़्ज़हरा को देखें, जैसी शान वाले इनकी नस्ल में है, ऐसी शान वाले कहाँ मिलते हैं? है इमाम ज़ैनुल आबिदीन इनकी औलाद, इमाम मोहम्मद बाकिर इनकी औलाद, इमाम मूसा काज़िम इनकी औलाद, इमाम अली रज़ा इनकी औलाद, इमाम नकी इनकी औलाद, इमाम तकी इनकी औलाद, इमाम हसन अस्करी इनकी औलाद, शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक इनकी औलाद, सैयद अहमद कबीर रिफाई इनकी औलाद, निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही इनकी औलाद, और फिर अल्लाह हू अकबर वारिस पाक इनकी औलाद, शाह बरकतुल्लाह इनकी औलाद, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी इनकी औलाद, और आखिर में इमाम मेहंदी, जिनकी इक्तिदा में हजरत ईसा नमाज अदा करेंगे, वो भी फातिमतुज़्ज़हरा का बेटा है। ये शान है खातून जन्नत की, सैयदा फातिमतुज़्ज़हरा की शान ये है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि इमाम हुसैन गोद में है, इमाम हसन ने उंगली पकड़ा है, आगे आगे मुस्तफा जाने रहमत, पीछे पीछे सैयदा है, और उनके पीछे मौलाए कायनात करम अल्लाह तआला वजहुल करीम। और ये हुक्म है कि फातिमा जहां हम कदम रखें और कदम रख करके हटा लें, वहां तुमने कदम रखना है। और मौला अली को हुक्म है कि अली जहां फातिमा कदम रखे, उनके कदम पे तुमने कदम रखना है। बड़ी कैसी तरतीब है ये, हालांकि ऐसा कभी नहीं हुआ चलते वक्त, लेकिन वजह क्या है? हुजूर बाप जो बेटियों के बाप है, बेटियों के बाप को जहन देना चाहते हैं कि मैं अपनी बेटी को दीन की हक्कानियत के इजहार के लिए अल्लाह के हुक्म पर लेकर निकला हूं, तो अजनबी जमीन पे मेरी बेटी जा रही है, लेकिन किस शान से? पहले हुजूर के कदम, फिर उस पर सैयदा फातिमा का कदम, फिर उस पर मौला अली का कदम। महज चश्मे तसव्वुर से जब सवाल पूछा जाए तो जवाब यह मिलता है कि जमीन अजनबी थी, गैरत मुस्तफ़ा को गवारा न हुआ कि डायरेक्ट उस अजनबी ज़मीन पे फातिमा कदम रख दें। तो हुजूर ने पहले कदम रखा और अपने कदम को ज़मीन और सैयदा फातिमा के कदम के दरमियान पर्दे की शक्ल दे दी। ज़मीन और कदम नाज़े फातिमा के दरमियान अपने कदम को पर्दे की शक्ल दे दी, और फातिमा कदम रखे और फिर चली जाए, फिर कोई अजनबी मर्द आकर नक्शे कदम फातिमा पर पैर रखकर उस नक्शे पाए
فاطمہ کو پامال نہ کر سکے تو کہا علی تم اس کے قدم کے نشان پہ قدم رکھ کر نشان قدم بھی لگا دینا تاکہ پتا چل جائے کہ نشان قدم فاطمہ کی حرمت کو بھی پامال نہیں کیا جا سکتا. یہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, حضور نے بیٹیوں کے معاملے میں ہمیں یہ غیرت سکھائی, لیکن آج ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم نے بیٹیوں کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. اور میرا عنوان وہ بھی نہیں ہے, لیکن اللہ اکبر, آج غربت کی وجہ سے کہیں کہیں آبرو کا سودا کیا جاتا ہے غربت کی وجہ سے. میں یہ مانتا ہوں, میرا ایمان ہے, اگر سیدہ چاہتی ان کے گھر میں کبھی چولہا جلانے کی ضرورت ہی نہیں آتی. کیوں؟ اگر وہ دعا کرتی تو روزانہ جنت کی عظیم سے عظیم نعمتیں ان کے گھر میں آتی. اور ایک بار انہوں نے منگوا بھی لیا تھا, ایک بار کیا اور بھی مقامات کہیں ایسے آتے ہیں, ملتی ہیں روایتیں, تو وہ منگوا سکتی تھی. لیکن بھوکی کیوں رہی, کیوں فاقے کیے؟ بلکہ یہاں تک سیدہ کی سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی چادر میں کبھی کبھی 17 پیون لگے ہوتے تھے. اور ایسا بھی وقت آیا کہ جس وقت ایک بار چادر سیدہ کی اتنی پھٹ گئی کہ اب گھر میں کپڑا نہیں تھا پیون لگانے کے لیے, تو مولا کائنات نے کہا کہ فاطمہ تمہاری چادر اتنی پھٹ گئی ہے کہ اسے سلنا ہوگا, پیون دینا ہوگا, لیکن ہمارے گھر میں کپڑا نہیں ہے پیون کے لیے. جاؤ اپنے بابا سے کہو کہ نیا دوپٹہ دیں اور اسے آپ چادر بنا لیں. سیدہ نے کہا کہ مجھے حیا آتی ہے بابا سے کچھ طلب کرنے کے لیے, آپ یہ کام کریں کہ بس اتنا کہہ دیں کہ نئی چادر نہ کوئی پیون کے لیے کپڑا ہی مل جائے. اور مولا کائنات گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ, آپ کی بیٹی کی چادر اتنی پھٹ چکی ہے کہ اب پیون لگانے کے لیے گھر میں کپڑا بھی نہیں ہے, تو فاطمہ نے مجھے بھیجا ہے کہ آپ پیون لگانے کے لیے کوئی کپڑا عنایت فرما دیں. میرے کریم آقا نے فرمایا, علی اس وقت میرے پاس بظاہر پیون کے لیے دینے کے لیے کپڑا نہیں ہے, البتہ یہ اونٹ کا چمڑا اس وقت میری ذاتی ملکیت میں ہے, یہ چمڑا لے جاؤ اور فاطمہ سے کہنا کہ اسی چمڑے کا پیون لگا کر وہ اپنے دوپٹے کو اوڑھ لے. کائنات میں اتنے مالدار باپ کی بیٹی نے کبھی اتنی قناعت کے ساتھ زندگی نہیں گزاری. میں مالدار باپ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کسی کا باپ کسی شہر کا مالک ہو سکتا ہے, کسی کا باپ کسی ملک کا مالک ہو سکتا ہے, کسی کا باپ کسی فیکٹری کا مالک ہو سکتا ہے. سیدہ فاطمہ کے والد جنت کے مالک ہیں, کونین کے مالک ہیں, زمین کے مالک ہیں, آسمان کے مالک ہیں, حتیٰ کہ میرے امام تو یہ کہتے ہیں کہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا, دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں. کبھی جنت چاہے تو بیچ دیں, کبھی جنت چاہے تو عطا کر دیں. اللہ اکبر, نبی مختار کل ہیں, جہاں بانی عطا کر دیں, بھری جنت ہبا کر دیں. نبی مختار کل ہیں, جس کو جو چاہے عطا کر دیں, جس کو جو چاہے عطا کر دیں. کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اتنے مالدار بابا کی بیٹی ہے کہ کہتے ہیں اگر میں چاہوں تو پہاڑ میرے ساتھ سونے اور چاندی کے بن کر کے چلے, لیکن قناعت کا یہ حال ہے کہ دوپٹے کو پیون لگانے کے لیے کپڑا نہیں, اونٹ کا چمڑا دے دیا جاتا ہے. اور اونٹ کا چمڑا سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ کے دوپٹے میں جب سل دیا گیا اور آپ نے اوڑا, حضور تشریف لائے, بیٹی کے سر پہ بابا نے جب اس دوپٹے کو دیکھا کہ جس میں بے شمار پیون تھے اور ایک پیون اونٹ کے چمڑے کا بھی تھا, حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, اللہ کے حبیب علیہ السلام رونے لگے. جب حضور روئے تو مولا کائنات اور سیدہ فاطمہ دونوں رونے لگے. سرکار نے لیکن کس شان سے تسلی دی, آقا فرماتے ہیں, فاطمہ اس بات پر خوش نہیں ہو کہ دنیا کے لوگوں کے لیے دنیا کی نعمتیں ہیں, محمد اور آل محمد کے لیے آخرت کی نعمتیں ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اس قناعت کے ساتھ زندگی گزرتی ہے. کیوں؟ ہماری بیٹیوں کو درس ملے, ہمیں درس ملے.
कि गुर्बत की चक्की में पिसने के बाद अपनी आबरू का कभी सौदा नहीं करना, अपनी इस्मत का कभी सौदा नहीं करना, आबरू का कभी सौदा नहीं करना। जब कभी फाका कशी तुम्हें मजबूर करे तो देख लेना कि नबी की शहजादी ने किस अंदाज के साथ जिंदगी गुजारी। बल्कि हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबी हजरत इमरान कहते हैं कि एक बार मैं हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ सैयदा के दरवाजे पर गया, हुजूर ने दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, कौन? तो हुजूर ने कहा मोहम्मद हूं। आप अकेले हैं, आपके साथ कोई और भी है? फरमाया कि मेरे साथ मेरे सहाबी भी है। अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मैं आपके सहाबी को अंदर आने की इजाजत नहीं दे सकती, इसलिए कि मेरे पास एक ही चादर है, उससे सर छुपाती हूं तो पैर खुल जाते हैं और पैर छुपाती हूं तो सर खुल जाता है। मैं, आप मेरे बाबा हैं, आपके सामने तो पैर खुल सकते हैं, उस अजनबी के सामने मैं पैर कैसे खोल सकती हूँ? आप अंदाजा फरमाएं। इस शान से सैयदा फातिमा तो जहरा की जिंदगी गुजरी है। मौलाए कायनात कहते हैं चक्की हाथों से चलाती हैं, हाथों में छाले पड़ जाते हैं, मशकीजे से पानी भरती है, पेट पे निशान पड़ जाते हैं। एक दिन कहा कि जाओ कोई गुलाम और कनीज मांग लो, गई भी और गई और हिम्मत नहीं हुई, और एक रिवायत के मुताबिक कहा भी, लेकिन जवाब ये मिला अभी बद्र व उहद के यतीमों का हक देना बाकी है, फातिमा मैं तुम्हें अभी कैसे कोई गुलाम और कनीज दे दूं, उससे बेहतर एक चीज देता हूं कि 33 मरतबा सुभान अल्लाह पढ़ा करें, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा करें और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करें, यह उससे बेहतर है। आप अंदाजा फरमाएं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी इस शान से। और फिर तफसीर रूहुल बयान में ये बात मौजूद है जो सैयदा फातिमतुज़्ज़हरा की इंतहाई शान बयान करती है कि जब सैयदा फातिमतुज़्ज़हरा के विसाल का वक्त आया तो उस वक्त अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया कि इज़राइल, फातिमा की रूह तुमने कब्ज नहीं करनी है, इसलिए कि गैरत फातिमा को ये गवारा नहीं होगा कि तुम उसकी रूह कब्ज करो, इसलिए फातिमा की रूह को हम खुद कब्ज करेंगे। ये सैयदा फातिमतुज़्ज़हरा की शान है। और बस चूंकि वक्त मेरा मुकम्मल हुआ, अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करते हुए आखिर में बात यह कह दूं कि सैयदा फातिमतुज़्ज़हरा की अजमत, बुजुर्गी, उनकी शान, उनकी अजमत, उनके फजाइल, उनके मनाकिब पढ़ते रह जाएंगे, पढ़ते रह जाएंगे, लेकिन ज़बानें ख़त्म हो जाएगी, कलम घिस जाएंगे, लोग फना हो जाएंगे, लेकिन सैयदा फातिमा की मनकबत ख़त्म नहीं हो सकती। इसलिए मनकबत फातिमा ख़त्म नहीं हो सकती क्योंकि हुजूर ने उनके लिए कहा कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। और सैयदा फातिमतुज़्ज़हरा के बारे में एक रिवायत पढ़ने से पहले मैं अर्ज़ करूं कि इमाम अहले सुन्नत ने उनकी शान में जो मनकबत पढ़ी है, दो मिसरों में बहुत खूबसूरत मनकबत पढ़ी है। वो सैयदा फातिमा की शान यूँ बयान करते हैं, कई मकाम पर बयान किया, एक मकाम पर तो यूँ कहा, मौला गुलबुन रहमत जहरा, सिपैन उसकी कलियां फूल, सिद्दीक़ो फारूक व उस्मा, हैदर हर एक उनकी शाख। कहीं पे कहा कि तैयबा ताहिरा, आबिदा जाहिदा, जान अहमद की राहत पे लाखों सलाम, इस तरह बहुत सारी। लेकिन एक मकाम पर यह बयान किया, कहते हैं नस्बतें उनकी जो बयान की है, एक शेर एक मिसरे में ज़रा गौर कहें, लिखते हैं कि नूर बिनते नूर, जौजे नूर, उम्मे नूर, नूर नूर, सैयदा फातिमा नूर है ना, नूर की नूर है वो, नूर बिनते नूर, खुद नूर है और वो नूर की बेटी है, जौजे नूर और वो नूर की बीवी है, उम्मे नूर, नूर और वो नूर नूर की माँ है। एक नूर से मुराद इमाम हसन है और एक नूर से मुराद इमाम हुसैन है। हालांकि जब मैं ये शेर पढ़ता हूं तो मेरा दिल चाहता है कि मैं भी इसको नातखानों के अंदाज में पढूं, लेकिन हालांकि मेरी आवाज ऐसी नहीं होती कि मैं उसको इस तरह पढूं, लेकिन चूंकि बीबी जहरा पाक की बारगाह है, यहां तो आवाज नहीं बल्कि दिल देखे जाते हैं, तो मैं चाहता हूं कि हम सब साथ में मिलकर इसको पढ़ें, हो सके तो इसको याद करें। मौलाना हैदरुल कादी साहब की तरह मेरी आवाज नहीं है, उन्होंने अच्छे से पढ़ा था। वो कहते हैं, इमाम कहते हैं, नूर बिनते नूर ज़ौजे, नूर उम्मे नूर, नूर नूर बिनते नूर ज़ौजे, नूर उम्मे नूर, नूर।
मैं वो भी लाई के यहाँ बैठे, उनकी दादी की मनकवत पढ़े, करम होगा इंशाल्लाह। नूर बिनते नूर जौजे नूर उम्मे नूर 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 मुतलक की कमीज अल्लाह रे लमा नूर का। और फिर आके एक सीने तक मुशाबे एक वहां से पांव तक, एक सीने तक मुशाबे एक वहां से पांव तक, उसने सिबतें उनके जामो में है नीमा नूर का। तो नतीजा ये निकले तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन नूर, इमाम बाकर नूर, इमाम मूसा काज़िम नूर, इमाम अली रज़ा नूर, इमाम तकी नूर, इमाम नकी नूर, हसन अश्करी नूर, इमाम महदी नूर, निज़ामुद्दीन औलिया नूर, गौसुल आज़म दस्तगीर नूर, गरीब नवाज नूर, सैयद अहमद कबीर रसाई नूर, हज़रत वारिस पाक नूर, साबिर कलियर नूर, हज़रत शाह बरकतुल्लाह नूर। कहते तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा, तू है आईने नूर तेरा, तू है आईने नूर तेरा, सब घराना नूर बिनते नूर जौजे नूर उम्मे नूर 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 मुतलक की कनीज अल्लाह रे लमा नूर का। ये शान है उनकी। आखिरी बात, हज़रामी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में लिखते हैं, एक मरतबा सैयदा पाक सैयदा फातिमतु ज़हरा अपने बाबा के पास आई और अपने अब्बा जी के पास आकर कहती है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बताएं कि जन्नत में सबसे पहले कौन जाएगा। सवाल किया। यहाँ पर उन हजरात से थोड़ी सी माजरत के भी साथ, और अल्लाह करे उनके भी कान खुले, जिनको ये ख्याल होता है कि हुजूर तो अपनी बेटी की बख्शिश नहीं करवा सकते, ये बात ना कही जाए, काश के लोग नबी की अजमत समझें, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर, जिनकी जिनके ऊपर अल्लाह ने जहन्नम हराम की, उनकी औलाद पे जहन्नम हराम की, इस तरह की बात करना उम्मत में इंतशार के सिवा कुछ नहीं। अल्लाह करे लोग उम्मत को इत्तेहाद की तरफ बुलाएं, और नुक्ता इत्तेहाद मुस्तफ़ा जाने रहमत की ज़ात है, हर दौर में इत्तेहाद की जरूरत है, इस दौर में और ज्यादा इत्तेहाद की जरूरत है। काश के हम हुजूर को ऐसा माने जैसा कि मानने का हुक्म है। तो सरकार मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में, गैबदा नबी की बारगाह में सैयदा आकर कहती है, या रसूल अल्लाह, जन्नत में सबसे पहले कौन जाएगा। अल्लाह के करीम नबी ने फरमाया, बेटी तेरे बाबा के सिवा और कौन जाएगा। जन्नत में सबसे पहले तेरे बाबा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जाएंगे। सैयदा ने अर्ज की, बाबा मर्दों के लिए नहीं, औरतों में जन्नत में सबसे पहले कौन जाएगा। मर्दों में तो आप ही ने जन्नत में सबसे पहले जाने, औरतों में सबसे पहले जन्नत में कौन जाएगा। मेरे सरकार ने बिला तकल्लुफ फरमाया, वो इमरान की बेटी जो मरियम है, ईसा अलैहि सलाम की अम्मी, वो औरतों में सबसे पहले जन्नत में जाएगी। बस इतना सुनना था, चेहरा जो गुलाब की तरह खिला हुआ था, ऐसा लगा कि मुरझाने लगा। सरकार ने पूछा, बेटी अफसरदा क्यों हो। अस्की बाबा, जब आपने ये कहा ना कि मर्दों में सबसे पहले जन्नत में मैं जाऊंगा, तो मुझे ख्याल आया कि जब मैं औरतों का पूछूंगी तो औरतों में आप मेरा नाम ले गए, लेकिन आपने मेरा नाम नहीं लिया बल्कि जनाबे मरियम का नाम लिया। हुजूर ने मुस्कुरा के कहा, बेटी होना तो यही है कि जन्नत में सबसे पहले इमरान की बेटी मरियम जाएगी, मरियम बिनत इमरान ईसा अलैहिस्सलाम।